राहुल गांधींचा भारत जोडो न्याय यात्रेदरम्यान जनतेशी संवाद. कन्याकुमारीपासून या यात्रेला सुरुवात झाली आहे. भाजपाचे लोक द्वेष पसरवण्याचं काम करत आहेत. मणिपूरपासून दुसऱ्या टप्प्याचा यात्रा सुरू झाली. मजदूर शेतकरी यांच्या विरोधात निर्णय घेतले जात आहेत. नरेंद्र मोदी यांनी 20 ते 25 लोकांचे 16 लाख कोटी रुपये कर्ज माफ केले. अडाणीसारख्या लोकांचे कर्ज माफ केले, शेतकरी मजदूर यांचे कर्ज माफ केलं नाही, अशा सर्व गोष्टींच्या विरोधात आम्ही ही यात्रा काढली. ब्युरो रिपोर्ट, तेज मराठी न्यूज. और एक लाइन में मैं आपको 4000 किलोमीटर की कहानी बता सकता हूँ. नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोली. ये नफरत का देश नहीं है, मोहब्बत का देश है, इज्जत का देश है. बीजेपी के लोग 24 घंटा हिंसा फैलाते हैं, भाई को भाई से लड़ते हैं. तो पहली यात्रा का ये लग हमें कश्मीर तक आप चले, गुजरात का क्या होगा और झारखंड, छत्तीसगढ़, और उन्होंने तो हमने दूसरी यात्रा की और आज हम यहां आपके सामने महाराष्ट्र में हाजिर हुए. हमने एक नया शब्द जोड़ दिया, क्यों? क्योंकि अन्याय है, गरीबों के खिलाफ, मजदूरों के खिलाफ, बेरोजगार युवाओं के खिलाफ है. नरेंद्र मोदी बड़े अरबपतियों कितना कर्जा माफ किया, कितना? 16 लाख. समझ नहीं आता 16 लाख करोड़ कितने, 65,000 करोड़ रुपए लगते साल के. इन्हें 20-25 लोगों का इतना पैसा माफ किया, 24 साल में लगते हैं. किसान आपको कितने दिखे उसमें, मुझे बताओ. बेरोजगार युवा कितने दिखे, मजदूर कितने दिखे उसमें? एक नहीं, अदानी दिखा, पूरा बॉलीवुड दिखा, क्रिकेट की टीम दिखी, देश दिखे, गरीब दलित नहीं दिखा, नहीं दिखा. कहीं जगह नहीं आपकी. आपकी और मुझे बात समझ नहीं आ रही, आप लोग कुछ कर क्यों नहीं रहे हो? बीमारी लग गई है आपको, आप कुछ नहीं कर रहे, आप देखते जा रहे हो, होता जा रहा है. भैया करा, भैया ऊपर आना करा, आ जाओ, आ जाओ ऊपर, आ जाओ, आप आ जाओ. ये देखो, ये है जनता है, ठीक है? अगर इसका आपको जेब काट, ध्यान भटकाना पड़ेगा ना. भैया देखो, देखो देखो क्या हो रहा है. भैया देखो कुछ कौआ, देखो वहां बैठे कौआ, उधर देखो. भैया भैया जा रहे, देखो भैया चाइना की ओर देखो जरा. और भैया कोविड तो पहला काम आपके प्रधानमंत्री कर
का, गरीबों का ध्यान इधर उधर कर रहे, पहला काम। दूसरा काम अदानी कर रहा है, यहां से गेट पे अमित शाह जी खड़े नंडा लिए, कहते भैया किसी ने कुछ किया मारूंगा उठा के। टैक्स डिपार्टमेंट एक नहीं है, ठीक है, पता नहीं आप लोग शायद इसमें हिस्सेदारी नहीं चाहते, नहीं पता नहीं चाहते हो नहीं चाहते हो, मुझे तो नहीं लगता। आपकी आबादी 90 आप में इतना भी दम नहीं है आपने आप में कि वहां अपने लोगों को बैठा दो। बात उधर आप अपना एक हाथी फैला के घूमते रहते हो, सच है ना, वहां पे चलो ठीक है, मैं कहता हूं मीडिया में नहीं बैठा पा रहे, देखते ये जो अदानी वाली अंबानी वाली 200 सबसे बड़ी कंपनी हिंदुस्तान में, सीनियर मैनेजर्स हैं जो इन कंपनियों को चला, एक नहीं है दलित, जनरल कास्ट का जीरो, तो यहां भी आप नहीं हो। आप 90% हो, जो भी ये बेचते हैं क्या, नहीं शर्ट खरीदी ना आपने, आपने 18% दी, अगर अदानी वही शर्ट 18% देता, अदानी की आमदनी कितनी है लाखों करोड़ रुपए की है, आपकी कितनी दे, वो देता है उतनी आप देते हो, इनका धन कैसे बनता है आपसे देते हो, ये तो आपके लिए बंद है, मीडिया बंद, कॉरपोरेट बंद, प्राइवेट अस्पताल बंद, प्राइवेट कॉलेजेस बंद, तो रास्ते खुले कौन से थे बताओ, सरकारी नौकरियां खुली थी, सेना खुली थी, उसमें आप जा सकते थे, ठीक है, अब नया सिस्टम है, सबसे पहले आर्मी वाला बंद कर दिया, कहते भैया चार लड़के अंदर आएंगे, वो तीन पता है कौन होंगे, तीन 90% वाले होंगे, कहेंगे भैया 3 साल 4 साल यहां काम करो बाहर निकल, पेंशन नहीं मिलेगी, कैंटीन नहीं मिलेगी, वो एक बंदे को मिलेगी, तो आर्मी वाला रास्ता बंद, एचईएल ये सारी वो रास्ता बंद हो गया, अब ये नया तरीका निकाला है, अब आपसे पुलिस की भर्ती उन्हीं 2-3 अभी आप शांत हो जाइए तो पुलिस भर्ती की बात होगी, अभी शांत हो जाइए, डिस्टर्ब मत कीजिए भाइयों, तो मेरा सवाल है थोड़ा शांत हो जाए तो मजा आएगा, है ना, शांत हो जाए, डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो, तो पिछड़े वर्ग के कितने हैं कोई नहीं बता सकता,
इस देश में आपको कोई नहीं बता सकता कि पिछड़े वर्ग के कितने लोग हैं। 50% कोई कहेगा 60 है, कोई नंबर कोई नहीं बता सकता। अंदाजे से 50% है। ठीक है, आपका नाम क्या है? देश में हिंदुस्तान का 90% हिंदुस्तान की किसी भी कंपनी को कंट्रोल नहीं करना चाहता। हो सकता है, पता नहीं आप लोगों को पता नहीं क्या हो गया। तो फिर दूसरा सवाल, तीसरा सवाल पूछता हूं, कॉर्पोरेट में कोई नहीं है, मीडिया में कोई नहीं है, तो जिसमें आप अपने बच्चों के लिए लाखों रुपए डालते हो उसमें कितने तुम्हारे? मेरे पास है, एक पिछड़ा नहीं, एक दलित नहीं, एक आदिवासी नहीं। अच्छा ठीक है, आपको प्राइवेट कॉलेज और यूनिवर्सिटी अपोलो एस्कॉर्ट्स मैदान होते हो, आप अपना पैसा डालते हो, इसमें कितनी भागीदारी तुम्हारी? गाली लोग करवाओगे? देखो देखो, बात समझो, वो नहीं, आप 90% हो, आपने 90% अपनी शक्ति समझो।